हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू असरदार आयुर्वेद। दोस्तों, नक्स भूमिका के बारे में जानेंगे आज। नक्स भूमिका एक ऐसी जड़ी बूटी, एक ऐसा हर्ब है दोस्तों, जिससे आपकी एलोपैथिक दवाइयाँ भी बनती हैं और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनती हैं। तो नक्स भूमिका के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे नक्स भूमिका की बात की जाए तो नक्स भूमिका एक प्लांट का एक हिस्सा है, ठीक है। ये बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, कुछ चपटे बीज होते हैं और इन्हें कुलचा भी कहा जाता है, ठीक है। कुचला भी कहा जाता है, कुलचा नहीं कहते, कुचला कहा जाता है कुछ लैंग्वेजेस में। इसका बायो जो नेम होता है दोस्तों, साइंटिफिक नेम होता है, स्ट्रेचिनोस नक्स भूमिका कहलाता है। और मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई अगर किसी को बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा शराब पी ली हो, तो नक्स भूमिका की 6 बूंद उसकी जवान पर रख दो, शराब का नशा उतर जाता है। तो इसलिए कुछ लोगों ने जानना चाहा कि ये नक्स भूमिका है क्या। तो ये जो नक्स भूमिका है दोस्तों, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो आपके शरीर में कई तरह की तकलीफों को दूर कर सकती है। इसलिए इससे बहुत सारी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अगर बात की जाए नक्स भूमिका की ही, तो ये इसमें कोई किसी तरह कोई स्मेल नहीं होती है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट जरूर उसका दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, मतलब कि कड़वा होता है, बिटर तो होता ही है, कड़वा होता है और पॉइजनस भी कह सकते हैं। पॉइजनस क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें जहरीलापन होता है, ठीक है। अगर इसको आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो आदमी की मौत भी हो सकती है। तो ये एक जहरीला फ्रूट है, पॉइजन फ्रूट कहलाता है ये। नक्स भूमिका की ही बात की जाए कि भाई ये क्या करता है, अपन किसी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवा की बात नहीं करेंगे, किसी ब्रांड की बात नहीं करेंगे, बेसिकली बात करेंगे नक्स भूमिका की। तो नक्स भूमिका आपके शरीर में एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो भूख लगने लगेगी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपके लिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से ठीक हो जाएगा। आपके अंदर आंतों के अंदर पेरिस्टेलिस जो मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है। साथ ही कई बार देखा जाता है इरेक्शन की प्रॉब्लम है, आपके लिंग में तनाव नहीं आ रहा, तो वहाँ पर ब्लड फ्लो को बढ़ाकर ये लिंग में तनाव लाने का काम भी करता है। डायरेक्टली नहीं करता, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। दूसरा, स्पर्म की क्वालिटी को भी बढ़ा सकता है। अगर आपके शुक्राणु कम है तो उनको बढ़ा सकता है। मानसिक रोग जैसे कि एंजाइटी, इसको भी ये ठीक कर सकता है। एंजाइटी में किसी भी तरह का डिप्रेशन हो, वहाँ पर भी इसको ये कम करने में हेल्प करता है। साथ ही अल्सर, कोई भी क्रोनिक अल्सर हो, अल्सर से मतलब मुंह के छाले से नहीं होता है, कोई चोट ऐसी है जो कि बहुत पुरानी है, वो जो घाव भर नहीं रहा है, उसको ये ठीक कर सकता है नक्स भूमिका, ठीक है। तो दोस्तों, नक्स भूमिका से कई तरह की दवाइयाँ बनती हैं, कुछ टैबलेट के फॉर्म में बनती हैं, कुछ सिरप के फॉर्म में बनती हैं, तो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। मदर ट्रिंचर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, होम्योपैथी में इसका मदर ट्रिंचर इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए इसका फ़ायदा लिया जाता है। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देता है सही तरीके से यूज़ करने पर। आप कई लोग सोच रहे होंगे कि नक्स भूमिका हमने तो कभी नहीं देखा। तो देखो, इंडिया में इसकी खेती होती है, इंडिया के साउथ वाले हिस्से में, मतलब कि साउथ एरिया में, साउथ इंडिया में बोल सकते हैं, वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी है, साउथ अफ्रीका में, बहुत सी जगह पर ये होता है। लगभग 9 से 8 मीटर का इसका जो है प्लांट होता है, छोटा सा ही रहता, ज़्यादा नहीं होता। और इसके बीजों को निकाल कर, इसके फल में से बीजों को निकाला जाता है और उन बीजों का इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों को बनाने में। और इसमें क्या पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में एल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है, एल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड एल्कलॉइड्स इसके अंदर होते हैं। तो एक प्रकार का एल्कलॉइड ड्रग है, क्रूड ड्रग है। और नक्स भूमिका के बारे में आप आई थिंक समझ गए होंगे, एक जहरीला फल होता है जिसके बीजों का इस्तेमाल किया जाता है और कड़वे होते हैं बीज, लेकिन बहुत सारी तकलीफों को दूर कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, असरदार आयुर्वेद। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।